हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप लोग का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज बहुत ही एक स्पेशल मैसेज है सारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। वो क्रिकेट फैंस जो पाकिस्तान की क्रिकेट को प्यार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, यू नो, ये मैसेज आप लोग के लिए है। प्लीज़ मेरे इस मैसेज पर अमल करें और उस पर गौर करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से आउट हो गई है। कल का जो मैच है इंग्लैंड के साथ, उसका मैं पहले आपको सिनेरियो बता दूं। एक छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने कि लेट्स से पाकिस्तान अगर कुदरत मेहरबान हो जाती है और पाकिस्तान टॉस पहले जीत जाता है, टॉस बहुत ज़रूरी है और वो तो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो पाकिस्तान 450 रन बना ले, 450 रन बनाए और इंडियन को 160 रन में आउट कर दे, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है, तब पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस से रिक्वेस्ट है कि अपने प्लेयर्स को गाली मत देना। प्लीज़ दोनों अब्यूज हैं, इन लड़कों ने बहुत मेहनत की होगी, पता नहीं कितनी दुआएँ लिए होंगी लोगों से, मेहनत भी की होगी, किन मुश्किलों से गए होंगे, यार गाली तो नहीं डिजर्व करते। इन्होंने फाइट किया है, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए, तो बी विद देम, इनको सपोर्ट करें। जब ये वापस आए तो इनको प्लीज़ किसी भी किस्म से आपने सपोर्ट करना, हर किस्म से सपोर्ट करना, और गाली करो जियो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हार जीत होती है, बेस्ट वे इज अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा इंसान वो ही है जो बार बार गिर के फिर से खड़ा हो। यू नो, एज लाइक रैम्बो ने कहा था, इट इज नॉट व्हाट यू कैन बीट, कितने आप पंचेस मारो इससे आप चैंपियन नहीं बनते, कितने पंच आप ले सकते हो और फिर खड़े हो, आप उससे चैंपियन बन सकते हो। सो इन चैम्पियंस के पास अभी बहुत सी लाइफ पड़ी हुई है, बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है, इनको डिमोटिवेट ना करें, इनको सपोर्ट करें, इनको माफ़ करें, इनके साथ दें, इनके साथ अच्छा सहयोग करें। जहाँ भी ये जब वापस आए, पब्लिक में जाए, तो बी नाइस टू देम। प्लीज़ मेरी आप सब पाकिस्तानियों से बहुत ही हम्बल और छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन को बिल्कुल एहसास ना होने दें कि इन्होंने बुरा खेला। सो डोंट अब्यूज देम। और बस यही है आज का मैसेज, स्पेशल मैसेज है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। और एक और लास्ट में एक और छोटा सा मैसेज, मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप जहाँ तक पब्लिक में जाते हैं ना, कोई चीज़ आप परचेज करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जैसा भी आपके हाथ में रैपर है, शॉपर है, आप रोड पे सड़क पे घूम के करते हैं, प्लीज़ वेट कर लें, जहाँ ट्रैश कैन आए वहाँ फेंकें, अपने मन को साफ रखें, साफ सुथरा रखें, अपने दिल को साफ करें। अगर आपका दिल साफ होगा तो सारी दुनिया का दिल साफ होगा। तो प्लीज़ ट्राई टू कीप योर कंट्री क्लीन, नीट एंड क्लीन। बस कल जो होगा उसकी फिक्र ना करें, आज जो है और जो आने वाला है उस पर अमल करें। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू पाकिस्तान।